छात्रों को कभी सड़कों में उतरते आपने देखा है? नहीं देखा तो आज देख लीजिए। ये नजारा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद का है, जहाँ पर मेव हॉस्पिटल के छात्रों का इस कदर से आक्रोश और इस कदर का गुस्सा देखने को मिल रहा है। साथ ही आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ऐसी कौन सी समस्या पड़ी जिस वजह से आज इन्हें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। और आप इन तस्वीरों पर देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान छात्र क्या कह रहे हैं, उनकी समस्या आपको सुना दें तो आप पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझ जाएंगे। क्या मुद्दा है, मैं किस वजह से आप लोग को यहाँ खड़ा हूँ? ऑलरेडी 8 महीने का हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। 8 महीने ड्यूटी कंप्लीट कर चुके, उसके बाद भी धमकी दे के हम लोग को जबरदस्ती ड्यूटी करवा रहे हैं। किसी शिकायत की आपने? बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे तुम लोगों की लाइफ के साथ। एफआईआर करेंगे, आज हमारे क्लास में जो बड़े चपरास है यहां तक एफआईआर करेंगे। हम लोग वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमारे एक क्लास में उनका हाथ उठाया गया है। हाथ उठाया गया? किसने उठाया? कंप्यूटर उठाया। क्या नाम है उसका? तो क्या मांग करती हैं आप? हम क्लास के लिए बस नहीं करेंगे। सरकार लिख के देगी कि हाँ इनको ड्यूटी करना है, एक बार वो भी मिलेंगे। और सरकारी आदमी भी मिलेगा, क्यों ड्यूटी करेंगे? तो कोविड में किस तरह से इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, आपने इनकी समस्याएं सुनी। अब देखना यह है कि इनकी बातें प्रशासन सुनता है या नहीं, या कॉलेज वाले सुनते हैं या नहीं, या फिर यूं ही इनका धरना चलता रहेगा। और मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। पर फिलहाल उत्तर प्रदेश समेत अखिलेश दास के साथ श्रीयम सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।